हेलो नमस्कार साथियों, आ जाओ जल्दी से। आपकी एक और क्लास शुरू हो चुकी है, जीरो लेवल बेसिक मैथ। जी हाँ बिल्कुल, न रहो न निराश करो मन को, मैथ जरूर आएगी। क्लास को पूरा देखना, और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो कम से कम इस क्लास को 5-10 मिनट जरूर देखना। अगर आपके पास 10 मिनट का भी टाइम नहीं है तो बिल्कुल मत देखो इस क्लास को, क्योंकि उससे कम देखने पर कुछ समझ में नहीं आएगा। 10 मिनट देखोगे तब समझ में आएगा। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की NCERT मैथ, तो 10 मिनट जरूर देखना। इसमें आज हम पार्ट थर्ड लेकर के आए हैं, 1.2 का है ये एक्सरसाइज, 1.2 चैप्टर नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 10 है, क्योंकि 9 तक हमने दूसरी क्लास में कर लिया था। नहीं मिला अगर तो डिस्क्रिप्शन देखिएगा, इस क्लास के एंड में जब ये क्लास ख़त्म होने लगेगी तो स्क्रीन पे दिखेगा दूसरा पार्ट, वहाँ से देख लेना। दवाइयों को बक्से में भरा गया है। दवाई आप जानते हैं, बीमार होते हैं, कुछ और मुसीबत आती है तो आप दवा खाते हैं, है ना। तो दवाइयों को क्या किया गया, बक्से में भरा गया है, और प्रत्येक बॉक्स का जो भार है वो 4 किग्रा और 500 ग्राम है। बक्से का भार कितना है, 4 किलोग्राम और 500 ग्राम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे हल, लेकिन पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। एक वैन में जो 800 किलो से अधिक का भार नहीं ले जा सकती है, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। देखो यार, वैन मतलब होता है गाड़ी, एक गाड़ी में हाफ डाला या जो भी आप समझिए ट्रैक्टर ट्रक, वो 800 किलो से ज़्यादा भार नहीं ले जा सकती। 800 किलो मतलब 8 कुंटल लिखा जाता है ना, तो कितने बक्से लदेंगे उसमें बताओ। चलो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है दिया ये किग्रा में और ग्राम में दोनों में दिया है, यहाँ पर जो दिया है केवल किग्रा में दिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले कि प्रत्येक, क्या लिखेंगे, प्रत्येक बक्से का भार, मतलब या फिर एक बक्से का भार, प्रत्येक लिखो या फिर एक लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। तो एक बक्से का भार कितना है, 4 किग्रा मतलब केजी लिख लो, और 500 ग्राम है तो ग्राम को जी लिख लो, ठीक ना। ये हो गया एक बक्से का भार। तो यहाँ पर हम एक ही लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एक बक्से का भार इतना है, क्या क्या रहा था, 800 किग्रा से अधिक का भार नहीं ले जा सकती वो बैन, तो कितने बक्से लादे जाएंगे। देखो यार सिंपल सी बात है, इसी से भाग करेंगे हम, किससे, इसी से भाग करेंगे इसमें। कैसे करेंगे पहले उसके लिए समझ लो। एग्जांपल के लिए जैसे ये बात इधर आप समझ लो कि जैसे मैंने आपसे कहा, एक दूसरा छोटा सा क्वेश्चन समझिए फिर हम मेन क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने कहा कि अगर प्रत्येक बक्से का भार, ये थोड़ा लफड़ा वाला ये हो गया कि इसमें किग्रा और ग्राम दोनों हो गया, इस वजह से थोड़ा टेंशन हो रही। प्रत्येक बक्से का अगर भार होता कितना होता, 4 किग्रा होता। अगर प्रत्येक बक्से का भार 4 किग्रा होता तो 800 चूंकि किग्रा हमें लादना है, उससे ज़्यादा वो गाड़ी नहीं ले जा पाएगी 800 किग्रा से ज़्यादा। तो हम क्या करते कि इस 800 में 4 से भाग दे देते, तो आपको पता है कि ये 4 × 8 और ये कट जाता 0 0 और ये 0 0 हो जाता। कहने का मतलब 200 बक्सा लादा जा सकता था। कितना लादा जाता, 200 बक्सा लादा जाता अगर प्रत्येक बक्से का भार 4 किग्रा होता। लेकिन मुसीबत है कि बक्से का भार 4.5 किग्रा है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करोगे, ऐसी स्थिति में एक ही उपाय है कि ये तो ग्राम में दिया है और केजी में भी दिया है, ये केवल केजी में दिया है ना। तो हम ऐसा कुछ करते हैं, चाहे इनको केवल केजी में बदल लें और चाहे इनको हम केजी और ग्राम दोनों में बदल दें, मतलब एक मात्रक में कर लो, तब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो करेंगे क्या, आसान क्या है ये सोचो। देखिए, अगर इसको हम टोटल ग्राम में बदलते हैं, ग्राम में आप बदल सकते हो, नहीं देखा तो आप पिछली क्लास देखिए 4-5 तक जो थी, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। चलो हम सभी को ग्राम में बदल लेते हैं, ठीक है। ग्राम में बदलने पर लिख लो, ग्राम में बदलने पर तो ये हो जाएगा 4 केजी में 4000 ग्राम। दूसरे जगह लिख दूँ कि यहीं पर देख लो, 4 केजी में 4000 ग्राम हो जाएगा, चूँकि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है ना, यही तो होता है ना, कुछ और होता है। तो
धन ये 500, फाइनल में ये हो जाएगा साथियों 4500 ग्राम, यानी कि एक बक्सा जो है 4500 ग्राम का है। अब हम गाड़ी की भी तुलना ग्राम में ही करेंगे, अब इसको किलो उलो छोड़ दो, तो 800 किलो में कितना ग्राम, चलो देखें, यहाँ पर लिखो 800 केजी बराबर 800, चूँकि एक किलो में 1000 ग्राम, इसलिए इसको 1000 से गुणा कर देंगे। देखो 3 जीरो इसमें है, 2 इसमें है, ये 5 जीरो इसके बगल लग जाएगा, यानी वो गाड़ी 800000 ग्राम का भार एक बार में ले जा सकती है। तो अब क्या करोगे, अब यही आप कर सकते हो, इसको भाग कर सकते हो, अब एक तरह हो गया तो, है ना। अब इसको हम भाग करेंगे, तो आप यहाँ से कर सकते हो ऐसे लिख करके कि गाड़ी में लादे जाने वाले बक्सों की संख्या कितनी हो जाएगी, इनको हमें भाग करना है। आपको देखने में बहुत बड़ा हो गया होगा कैलकुलेशन, लेकिन आसान हो जाएगा, सूटेबल तरीका हो जाएगा। तो साथियों इसमें से आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दो ऊपर नीचे, ये फाइनल में आपका बचेगा क्या, ऊपर 8000 बचेगा, नीचे बचेगा 45। आप इसे जब भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा पता है, 45 का आप भाग कर लो, इसको जब आप भाग करोगे तो 177 दशमलव कुछ आएगा, समथिंग जो भी आएगा। तो दशमलव के बाद वाला हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमें पूर्ण संख्याएं निकालना है, कितने बक्से ले जा सकते हैं, ठीक है। तो 177 उत्तर हो जाएगा, जो दशमलव में आएगा उससे नहीं मतलब है, ठीक ना, या फिर जो शेषफल आएगा, दशमलव की बात छोड़ दो, शेषफल जो आएगा उससे नहीं मतलब है, जो भागफल जाएगा हमें उतने से ही मतलब है, यानी कि उस गाड़ी में 177 बक्से लद सकते हैं। अब हम ये देखते हैं सही है कि गलत है हमारा उत्तर, चलो देख लेते हैं, उत्तर की जांच कर लो। यहाँ पर देखो 177 बक्से अगर हम लादेंगे और एक बक्से का वजन जो है 4500 ग्राम है ना, मैं ग्राम में बदला हूँ, यहाँ पे देखो 4500 ग्राम, तो इसको जब आप गुणा कर लोगे साथियों, आप मोबाइल में कर लो, कैलकुलेटर से कर लो, या वैसे किसी भी तरह से कर लो, जब इसको आप मल्टीपल करोगे तो 796500 आएगा, 796500 आएगा, कहने का मतलब 800000 के लगभग करीब आ रहा है ना। हाँ, लेकिन अगर एक बक्सा और लाद लेंगे तो क्या होगा पता है, 796500 है, अगर एक बक्सा हम और लाद लेंगे तो 800000 के ऊपर हो जाएगा भार, मतलब हम 178 बक्से नहीं लाद सकते हैं, बात समझ रहे हो ना। चूँकि इसमें आप 4500 और जोड़ के देखो एक बार 4500 और जोड़ोगे तो ये 800000 के ऊपर हो जाएगा, और उस गाड़ी में केवल 800000 ग्राम तक भार लादा जा सकता है, 800000 ग्राम मतलब ये 800 किग्रा, बात समझ रहे हो ना। तो इसको आप सभी नोट कर लो जल्दी से, ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, इस क्लास को पूरा देखना अगर तभी समझ में आएगा, अगर थोड़ा मोड़ा देखोगे इधर उधर तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा देखना। चलिए ठीक है, आप लोग लिख लिए, इसको नोट कर लो जल्दी से, नहीं फिर ये मत कहना कि हम मिटा दिया और लिख नहीं पाए हो, नहीं लिख पाए तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना, पीछे करके देखोगे तो फिर से सब दिख जाएगा, ठीक है ना, हो गया मिटाएं। चलिए इसको ऐसे लिख लेना, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बताना, जो छात्र छात्राएं क्लास 6 में पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि उन्हें लिखने में टाइम लगेगा ना, तो आप सभी तो काफ़ी बड़े हैं फिलहाल। चलिए हम देखते हैं कक्षा 6 एनसीईआरटी मैथ का 11 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज है 1.2, तो 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग लिखना, चूँकि मैं बोलूँगा और आपको लिखना पड़ेगा अगर पढ़ना है तो। चलिए लिखिए, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब लिखो, हल में लिखो आप सभी, स्कूल एवं बच्चे के घर के बीच की दूरी बराबर, स्कूल एवं बच्चे के घर के बीच की दूरी बराबर 1 किलोमीटर 875
75 मीटर, ये मैंने लिखा है 875, क्या लिखा है मीटर, ठीक है हो गया नोट कर लो। अब ये क्या कह रहा आगे, प्रत्येक दिन यह दूरी दो बार तय की जाती है, मतलब ये नहीं समझ में आ रहा इसमें दो बार तय की जाती है कहने का मतलब एक बार स्कूल जाता है वो एक बार आता है, ये तो नहीं लिखा कि दो बार जाता है ना, यानी कि प्रत्येक दिन वो दो बार दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पर लिखो प्रत्येक दिन कुल तय की गई दूरी बराबर दो बार कर रहा है, तो आप दो से गुणा कर लोगे, 1 किलोमीटर 875 मीटर में दो से गुणा करेंगे हम तो क्या होगा पता है आपको, थोड़ा सा आपको इसमें मुसीबत होगी चूंकि ये किलोमीटर और मीटर दोनों में है, आप इसे अलग अलग गुणा करोगे तो दिक्कत होगी, इसलिए आप एक काम कर सकते हो, पहले आप ये किलोमीटर वाला जो झंझट है ना इसे सबको मीटर में बदल लो, सबको मीटर में बदल लो आसान रहेगा, या फिर आप दशमलव में बदल के किलोमीटर में कर सकते हो, लेकिन हम मीटर में ही बदलेंगे चूँकि विस्तार करना हमारा लिए अच्छा होगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आप सभी जानते हो, तो 875 इसमें जोड़ दो, फाइनल में हो जाएगा साथियों आपका ये कितना हो जाएगा 1875 मीटर है ना। अभी तो ये केवल यही हुआ, मैंने 1875 किया बाकी कुछ नहीं किया, दो से गुणा करो, 2 5 10 हासिल 1, 2 7 14 1 15 हासिल 1, 2 8 16 17 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, यानी कि प्रत्येक दिन, देखो कहीं हिंदी लिख रहे हैं कहीं इंग्लिश लिख रहे हैं आप समझ लेना, प्रत्येक दिन ये दूरी 3750 मीटर तय की जाती है, इतना ही तो तय की जा रही ना। तो कह रहा कि बताइए 6 दिन में कुल कितनी दूरी तय करेगा वो बच्चा, 6 दिन में कितनी दूरी तय करेगा, चलो बताओ कितने दिन कितनी दूरी, नीचे लिखो 6 दिन में बच्चे द्वारा तय की गई दूरी बराबर, नीचे दिख रहा है ना, 6 दिन में बच्चे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 6 × 300 कितना है ये 3750 ना, 6 × 3750 गुणा कर लो, यही उत्तर हो जाएगा, गुणा करना आप सभी को आता है, 6 से गुणा कर लेते हैं हम सब, तो 6 का 0 में करोगे 0, 6 × 5 = 30 हासिल कितना आया 3 है ना, 6 × 7 = 42 3 × 45 हासिल आया 4 और 6 × 4 = 24 4 × 28 28500 क्या है मीटर, हर दिन वो बच्चा सॉरी हर हफ्ते यानी कि 6 दिन में 28500 मीटर की दूरी तय करता है। लेकिन अब आप कहोगे ये तो किलोमीटर में दिया था आपने इसको मीटर में काहे लिख दिया, मैं मिटा रहा हूँ ऊपर वाली लाइन, तो देखना अब इसको आप किलोमीटर में बदल लो ना, प्रत्येक दिन बच्चे द्वारा तय की गई दूरी बराबर सॉरी प्रत्येक 6 दिन पर मतलब 28500 मीटर बराबर, अब आप उसी के नीचे लिख लेना, हमारे में जगह नहीं इस वजह से हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो 28500 बटे इसको 1000 से आप भाग कर दोगे तो ये फिर बदल जाएगा किलोमीटर में, और आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये इसमें क्या हो जाएगा दशमलव लग जाएगा, कितने अंक पर 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो 28.5 किलोमीटर, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हो 28.5 को 28 किलोमीटर 500 मीटर, बात समझ में आई ना। जो बच्चा 1 किलोमीटर 875 मीटर हर दिन जाता है और दो बार जा रहा है, मतलब एक बार जा रहा है उतना एक बार उतना ही आ रहा है, तो यानी कि प्रतिदिन वो 3750 मीटर जाता है, तो 6 दिन में वो 28500 मीटर जाएगा, और फिर जब 28500 मीटर को आप किलोमीटर में बदलोगे 1000 से भाग करके तो 28.5 किलोमीटर आएगा, इसका मतलब होता है 28 किलोमीटर 500 मीटर। तो हुई ना बात कि 10 मिनट में आप समझ गए ना बहुत कुछ, तो चलिए अब हम सब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना और बहुत ही गौर से देखना। आपको एक बात और बता दें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिएगा, और ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया इंक्वायरी के लिए, सिर्फ इंक्वायरी के लिए, आपको उस पर अगर कोई मुसीबत है क्लास से संबंधित तो आप संपर्क कर सकते हैं, सिर्फ क्लास ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको कंप्लीट मैथ पढ़ना है कक्षा
एक से लेकर के हम शुरू करते हैं जीरो लेवल, 1 से 10 तक, तो आपको कुछ नाम मात्र का पेमेंट करना होगा, जो कि एक कड़वी सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारे साथ वर्क करते हैं सब फ्री में कोई नहीं करता साहब, बस यही मुसीबत है एक। तो आप लोग कर सकते हैं, चाहें तो ना चाहें तो, फिर मोबाइल आपकी है, इंटरनेट आपका है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। हाँ, जिनको करना है प्ले स्टोर से PBR स्टडी का ऐप्स इंस्टॉल करेंगे, ऐप बिल्कुल फ्री है, उसमें बहुत सारी फ्री की क्लास भी उपलब्ध हैं, वहाँ से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, अब हम देखेंगे 12 नंबर, 11 हो गया है, 10 भी आपने देख लिया, सुनना ध्यान से, लिखना। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिली दही है, दही जानते हो ना, दही को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्ड बोलते हैं क्या भाई, हिंदी में तो मुझे मालूम है, दही होती है वो जो दूध को जमा करके बनाया जाता है, मक्खन भी शायद उसी में से निकलता है ना। तो एक बर्तन में 4 लीटर 500 ml दही है, ml जो होता है जैसे दूरी का मात्रक आप लोग किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर कहते हैं ना, वैसे सेंटीमीटर जो है वो जो लिक्विड होते हैं उनको ml के रूप में लिया जाता है, समझना पूरा। 25 मिली धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है, मतलब एक गिलास में 25 ml दही भरी जा सकती है, तो बताओ कि इस तरह से कितने गिलास चाहिए कि उस 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही को भरा जाए। चलिए लिखते हैं, आप सभी लिखो, कुल दही की मात्रा बराबर, पूरा लिखना मैं जो बोल रहा हूँ, कुल दही की मात्रा बराबर 4 लीटर और 500 मिली, मिली मतलब ml है ना, लिख लिया। अब लिखो नीचे, लिखो जल्दी से, एक गिलास में भरी जा सकने वाली दही बराबर एक गिलास, या फिर ऐसे लिख लो, गिलास की कैपेसिटी बराबर या गिलास की धारिता बराबर, ऐसे लिखो, गिलास की धारिता बराबर इसे जो है, किताबी भाषा में अच्छा समझा जाता है, धारिता लिखेंगे, अब भरा जा सकने वाला बोलेंगे थोड़ा उल्टा पुल्टा लगता है, ऐसे लिखो, एक गिलास की धारिता बराबर, एक मत लिखो, गिलास की धारिता बराबर 25 ml, बात समझ में आई, इसको लिख लो, गिलास की धारिता बराबर, देखो इसे पूरा ध्यान से लिखना, धारिता बराबर 25 ml। अब कह रहा कि इस तरह से कितने गिलासों में भरा जा सकता है, देखो यार सिंपल सी बात है, ये जो लीटर में है ना, इसको टोटल आप बदल लो पहले ml में, ml में बदलने के बाद में आप इसमें क्या करोगे, 25 से भाग दे दो बस, क्योंकि हम जानते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ये सब मैं कन्वर्जन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हूँ, अगर आपको नहीं आता कन्वर्जन वाला ये सब की लीटर में कितना ml होता है, किलोमीटर में कितना मीटर होता है, ग्राम में कितना किलोग्राम होता है, किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, ये सारा झंझट आप सीख सकते हैं, इसके लिए आप प्ले स्टोर से PBR स्टडी ऐप इंस्टॉल करें, वहाँ पर कन्वर्जन सर्च करें और देख सकते हैं, अगर कोई टेक्निकल इशू आता है तो आप नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए 4 लीटर 500 ml में हो जाएगा 4500 ml, ml मतलब वही मिली, दोनों लैंग्वेज समझना, ठीक। तो बस अब यहाँ पर लिखो नीचे, लिखो कुल दही को भरने के लिए आवश्यक गिलासों की संख्या बराबर 4500 बटे ये लिख लो 25, बस इसको भाग दे लो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। आप इसमें भाग करोगे तो आपको पता है कितना आएगा, ये 25 दूना 50 तो जाएगा नहीं, कितना आएगा, आप इसे 25 से नहीं काट सकते हो, चूँकि 25 से कटेगा नहीं, अगर इसे 25 से काटेंगे तो लगभग 20 बच जाएगा, 200 हो जाएगा शायद, कट जाएगा ना, देखो 25 से भाग दोगे आप, काट के देख लो, तो 25 एकम 25 और ये बचेगा कितना, 20, ये हो जाएगा 200, 25 8 शायद 200 होता है ना, यानी कि 18 आएगा, 18 गिलास, देखो ये सही है कि गलत है, अभी मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ, ये सही तब है जब 18 और 25 का गुणा करने पर 4500 आ जाए, चलो करके दिखा देते हैं, 25 × 18, 18 × 5 = 90 हासिल आया 9, 18 × 2 = 36, 36 में 9 जोड़ दो, 36 × 4 = 40, 5 = 45, देखो यार ये कुछ गड़बड़ है, 180 आएगा, बाकी सब ठीक है
है ना, ये इसमें एक जीरो लास्ट में और बचेगा ना, क्योंकि जब आप इसे काटोगे भाग दे के देख लो, ये 180 गिलास आएगा, बाकी सब ठीक है, 180 गिलास आएगा। क्यों? क्योंकि देखो जब 25 का इसमें गुणा करेंगे हम 18 में, तो ये 450 ही आ रहा है और आना चाहिए 4500, यानी यहाँ एक जीरो और होना चाहिए, तो इस तरह से ये 180 होगा। बात समझ गए ना? बाकी आप भाग करना जानते हो, मैं आपको केवल तरीका सिखा रहा था, भाग करना मैं सिखा दिया हूँ क्लास 3-5 में, जो भी इसके पहले की क्लास हुई है उसमें भाग करना हम आपको बहुत अच्छे से सिखा चुके हैं। ठीक है, चलें आगे साथियों। ये होमवर्क आप जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि ये सब हम पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसको नोट करना, साथ साथ में दिमाग में एक चीज़ और नोट कर लेना कि 1 फरवरी 2020 से ये क्लास फिर से पुराने समय अनुसार सुबह 5 बजे से चलेगी, क्योंकि आ गया फरवरी का अच्छा वाला महीना, तो इस महीने में ठंडी वगैरह कम हो जाती है, गर्मी भी नहीं होती ना, ठंडी ही होती है, तो आप लोग सुबह 5 बजे से देख सकते हैं। हाँ, ये बात जिन लोगों को बड़ी बुरी लग रही होगी कि भाई इतना सवेरे कौन नींद छोड़ के इस क्लास को देखेगा फालतू की, तो उनको मैं बता दूं कि सुबह 5 बजे आप अगर नहीं देख सकते हो तो मत देखो, सोते रहो आराम से, लेकिन जब भी उठना आप PVR स्टडी ऊपर सर्च करना, और फिर उसमें जब वीडियो में जाओगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, पब्लिश हुए रहेंगे, या फिर अगर आपने बेल आइकन को ऑन करके रखा है तो फिर आपको नोटिफिकेशन बार में नोटिफिकेशन आई रहेगी, सुबह देख लेना, जब भी जगना तब आप देख सकते हो, ठीक ना। हाँ, लेकिन 8 बजे के पहले देख लेना, क्योंकि सुबह देखने वालों में 5 बजे देखने वालों में 19% हैं और 6 बजे से देखने वालों में 25% हैं, जबकि 7 बजे से ये क्लास 56% स्टूडेंट चाहते हैं। लेकिन मैं उन 56% के लिए मैं इन जो 25-20-45% हैं, लगभग 44%, मैं इनको नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि 100% लोगों को भी मिले क्लास, मतलब ये जो 44% पहले छूट जा रहे थे अगर मैं 7 बजे पब्लिश करता तो। क्यों ऐसा? इसलिए कि जो सुबह 5 बजे से क्लास चाहता है वो हो सकता है 7 बजे कहीं किसी काम से जा रहा हो, 6 बजे कहीं चला जाए, नहीं देख पाएगा, है ना। लेकिन जो 7 बजे चाहते हैं, वो चाहेंगे तो 5 बजे भी देख सकते हैं, है ना। तो फिर भी जैसे भी हो आप लोग एडजस्ट करिएगा, अगर आप 5 बजे नहीं देख सकते हैं तो आप जब भी जगिएगा नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके आप देख सकते हो। अगर हाँ फिर भी कोई मुसीबत होती है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे टेक्निकल हेल्प ले सकते हैं, अगर आपको क्लास नहीं मिल रही या कोई और मुसीबत होती है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। एक बात बता दूं कि जो छात्र छात्राएं DLED BTC का प्रथम सेमेस्टर का क्लास ज्वाइन किए थे उनका कोर्स ख़त्म हो गया है। ऐप्स में 9 क्लास एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है कल की डेट में, ठीक है, 9 क्लास और जोड़ दिया गया है, लगभग 37-38 क्लास ऐप्स में हो चुकी हैं DLED फर्स्ट सेमेस्टर में, पूरा एक तरफ से एक सीरियल वाइज जोड़ दिया गया है, आप लोग उसे देख लेना, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो निसंकोच बताना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जय हिंद। और हाँ, एक बात चलते चलते आपको बता दूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, नहीं तो मैं बताने वाला नहीं था, वो ये है कि PVR स्टडी 4.0 इस चैनल पर आपकी DLED BTC का रिवीजन क्लास चल रहा है। हो सकता है आपको ना मिल रहा हो, लेकिन 1 फरवरी से आपको फिर से रेगुलर मिलने लगेगा, क्योंकि आपके एग्जाम 15 फरवरी के बाद ही होंगे, उसके पहले नहीं होंगे। अगर आप 15 दिन में रिवीजन कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और जीरो लेवल की भी मैथ इस पे चलेगी, बड़ी बड़ी क्लास चलेंगी इस चैनल पे, आपको 4-4, 5-5 घंटे की जीरो लेवल मैथ मिलेगी। तो आप लोग अभी तुरंत सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना, जिससे कि आप लोग एक अच्छे तरीके से सिस्टम से पढ़ सकें और आपकी मनपसंद फ्री वाली क्लास भी देख सकें। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और चलते चलते एक और निवेदन होगा कि इस क्लास को दोस्तों में शेयर करके जाना। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हमारी कोशिश होगी यूट्यूब पर फ्री क्लास देंगे, अगर आप नहीं शेयर करेंगे तो फिर जो आपका मन करेगा वो करेंगे, और जो फिर हमसे हो सकेगा वो हम भी करेंगे।